नमस्कार, मैं आपके समक्ष यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है मेरे विरुद्ध। दरअसल यह वीडियो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया था। इस वीडियो की आवाज में मुझसे 2 करोड़ रुपए की मांग की गई। 2 करोड़ रुपए मांगने के लिए एक दलाल बीच में आता है जिसका नाम विक्रमजीत सिंह है, जो कि पता चला है भोपाल में ही जीवन मोटर्स में कार्य करता है। यहां पर मेरे को बड़ी आश्चर्य हुआ इस बात को जान के कि मेरे विरुद्ध एक ऐसे बिना सर पैर के आरोप लगाए जा रहे हैं और उसके बाद चोरी और सीना चोरी की बात की जा रही है। मैंने पुलिस के सारे आला अधिकारियों को सूचित किया और मैंने उनसे सहयोग मांगा कि मैं इसका भंडाफोड़ करना चाहता हूं, इसमें पुलिस मेरा साथ दे और मैं इन चीजों को पूरा रेड हैंडेड पकड़वाऊंगा। आज उसी महिला को मैंने जब बोला, मैंने कहा मेरे पास 2 करोड़ रुपए तो नहीं है इस नोटबंदी के समय में, मैं आपको एक टोकन अमाउंट दे सकता हूँ, धीरे धीरे आपको पूरा पैसा दे दूंगा। आज वो मेरे से 5 लाख रुपए के अमाउंट लेने के लिए तैयार हो गई। वो मेरे से एक सार्वजनिक जगह पे आके, आप हिम्मत देखिए, हंस के मुस्कुरा के पैसे की मांग करी। मैंने उनको 5 लाख रुपया दिया। मैंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उनको उन नोटों के साथ और बैग के साथ रंगे हाथों दबोचा और उनका मोबाइल सब जब्त किया। उसके बाद महिला ने यह क्राइम ब्रांच के सामने कबूला, ऑन रिकॉर्ड कबूला कि यह पूरा जो कारनामा किया जा रहा था सिर्फ 2 नंबर के पैसे की उगाही के लिए किया जा रहा था और इस गैंग में और भी कई लोग शामिल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और महिलाएं पुरुष भी हैं और ये पूर्व में भी ब्लैकमेलिंग का काम कई अन्य लोगों के साथ कर चुके हैं। और हेलो, मेरा नाम है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं उस यूनिवर्सिटी पर हूँ। हेमंत कटारे जो कि विधायक है अटेर से, ये एक रेपिस्ट है। यस, ये एक बहुत बड़ा रेपिस्ट है। इसने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, ना जाने उसने कितनी और लड़कियों की स्पॉइल की होगी लाइफ। और अभी जिससे वो शादी कर रहा है उसकी लाइफ तो स्पॉइल कर ही रहा है वो, बट वो मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। वो ऑलरेडी एक शादी कर रहा था, उसके कुछ दिन पहले ही हमारी किसी बात पे लड़ाई हो गई थी कि ठीक है, उसने मुझे खुद मैसेज किया कि गुड बाय फॉर एवर। तो मैंने भी उसको ठीक है गुड बाय कर दिया, अगर वो अपनी लाइफ में खुश है तो रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि उस दौरान हमारी बहुत सारी फिजिकल इंटीमेसी भी हुई है और मैं उसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसने उसकी कोई कद्र ही नहीं की। उसने जस्ट मुझे यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने फ़न के लिए, अपने मज़े के लिए। उसके बाद जब इसका इंगेजमेंट हुआ और मुझे ये बात पता चली कि हाँ वो इंगेजमेंट कर रहा है, तो मैं उसकी लाइफ से अपने आप बाहर आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी इसने फिर से मुझे मैसेज किया, इसने मुझसे फिर ज़िद किया कि मैं उससे मिलूँ, उसने मुझे फोर्स किया। दरअसल आजकल ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरी कुछ पिक्चर्स हैं इसके पास, वो वायरल कर देगा। ड्यूरिंग हमारी इंटीमेसी के दौरान हमारी पिक्चर्स इसके पास थी जो इसने ली है, क्योंकि ये मुझे अपने साथ मेरे फ़ोन में तो अपनी फ़ोटोज़ खींचने देता नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही शातिर इंसान है। तो इसने कुछ फ़ोटोज़ ली हैं जिसको ये मुझे धमका रहा है कि वो वायरल कर देगा अगर मैंने इसकी शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे एक चीज़ बस ये समझ में आ रही है कि मैं इसको किसी और की लाइफ अब स्पॉइल करने नहीं दूंगी। जो इसने मेरे साथ किया है, ना जाने इसने कितनी लड़कियों के साथ किया है, तो आई जस्ट अपील कि वो सारी लड़कियाँ सामने आए और इसका जो घिनौना चेहरा है, ये एक रेपिस्ट है, ये एक ऐसा रेपिस्ट है जो कि लड़कियों को यूज़ करता है अपने फायदे के लिए, अपने फ़न के लिए, और बस जस्ट ही जस्ट यूज देम एंड थ्रो। ये पावर में है, सिंधिया का इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो ये सोच रहा है कि जो चाहे वो करेगा। मेरे पास इसके वो ऑडियोज़ है जब ये मेरे साथ था, तो इसने मुझसे जो जो बातें की है, लाइक प्यार व्यार, वो सारी चीज़ें हैं। इसने मुझे आई कैन टेल यू उसने क्या क्या किया है मेरे साथ, वो सब मैं विद प्रूफ दूंगी। जब जब ये मुझसे भोपाल में मिला है, उसकी वीडियोस है मेरे पास, इसकी वो ऑडियो है जब ये मेरे साथ में था, मेरे पास मानसरोवर की फुटेजेस है, मेरे पास मैरियट की फुटेजेस है, मेरे पास इसके पूरे चैट्स पड़े हैं जिसमें इसने मुझे फोर्स किया है कि मैं उसको अपनी फ़ोटोज़ भेजूँ, इसको अपनी 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 पर्सनल फ़ोटोज़ भेजूँ। और जब मैं इसे नहीं भेजती थी तो ये मुझे मुझसे गुस्सा होता था, मुझे धमकाता था। अब कहीं ना कहीं इससे प्यार तो मैं करती थी, तो जस्ट उससे मजबूर होकर मैंने उसको अपनी कुछ फुटेजेस भेजी और फ़ोटोज़ भेजी, और ये अब मुझे उन फ़ोटोज से धमका रहा है कि ये जो चाहेगा वो कर सकता है उसके साथ। अगर मैंने उसकी लाइफ में अभी जो शादी वो करने वाला है, अगर उस ड्यूरिंग मैंने उसको कुछ भी परेशान किया तो, बट आई एम सॉरी, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मेरा तो अभी मन हो रहा है कि आई जस्ट सुसाइड।